99.1, 99.2, 99.3, 4% नंबर थे। यहाँ एडमिशन नहीं मिली, कहाँ, यहाँ कोटा सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट का कोटा है, ये फलां का कोटा है, फलां का कोटा है। 25 साल पुराने आज़ाद हुए मुल्क में वो जाके पढ़ रहे हैं, हम 75 में मना रहे हैं। तो मेडिकल हब बनाएंगे पंजाब को हम। और मैं जब आया था यहाँ पहली बार, मुझे गुजरात में आया तो मैंने कहा अच्छा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, गुजरात मॉडल देखेंगे। हाईवे पे तो ठीक था, जैसे हाईवे से निकले लेफ्ट को या राइट को, गुजरात मॉडल शुरू हो गया। फिर मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी। मैं खेड़ ब्रह्मा गया, मैं सुरेंद्र नगर गया, मैं कल लिंबड़ी में था, बड़ोदरा गया, भावनगर गया, मैं छोटे छोटे गांव में गया, आदिवासी समाज के गांव में। एक युवा से मैंने पूछा, मैंने कहा पहले कौन है यहाँ से विधायक, कहता भाजपा का है। मैंने कहा जीतने के बाद वो कितनी बार आया यहाँ, कहता जीतने की बात छोड़ो जी, हमारे पास तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं। अनटच एरिया, इतना लावर छोड़ रखा जनता को, क्योंकि वोट उनको देना ही पड़ता था, कोई विकल्प नहीं था। तो अब मैं जो बिल लेके आया हूँ, कल मैंने गाड़ी में दिखा दिए और सारे बिल लोग मेरे से ले गए, कहते उनको दिखाने हैं हमने, जिन्होंने 2.5 रुपये यूनिट अभी महंगी की है, परसों की बात है। पंजाब बिजली पैदा करता है, पंजाब के पास भाखड़ा डैम है, पंजाब के पास अपने थर्मल प्लांट है। तो अगर 300 यूनिट, हमारा ये सिस्टम है 2 महीने का साइकिल है, 2 महीने का बिल आता है, 300 यूनिट पर मंथ हमने शुरू कर, मतलब माफ कर दिया, 600 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। तो कोई किलोवाट का इसमें वो नहीं रखा हमने कि एक किलोवाट का मीटर होना चाहिए, 2 का। आम घरों को भी, जनरल घरों को भी बहुत बिल जो है 0 आए हैं। किसी का पहले 2000 आता था, 3000 आता था, वो 0 आए हैं, वो 2-3 हज़ार बचना शुरू हो गया। ऐसी स्कूल की फीस बचनी शुरू हो जाएगी, ऐसी इलाज का पैसा बचना शुरू हो जाएगा, नौकरी मिलेगी। तो हम ये नहीं कहते कि हम आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, हम ये कहते हैं कि कम से कम 30,000 महीना आप, हमारी सरकार बन गई, पहले महीने से आपका बचना शुरू हो जाएगा। ये कहते हैं हम कोई 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, किसको उसका क्या, जनता को क्या मिलेगा उसका, ठेकेदारों को और मंत्रियों को फायदा होगा, हम तो सीधा लोगों को देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था, उसकी बात नहीं करते, वो कहते जुमला था। तो इनके मैनिफेस्टो का नाम भी एक नहीं होता, संकल्प पत्र होता है कई बार, कहाँ पे घोषणा पत्र, कहीं पे मैनिफेस्टो, क्योंकि जीतने के बाद यही कहना होता है, वो तो जुमले थे। तो गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती जो हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। जितना माहौल मैंने देखा है रोड शो में जाके, बिल्कुल ऐसा माहौल का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 8 महीने पहले पंजाब में ऐसे ही था, लोग अपने आप बाहर आते थे, हाथ हिलाते थे, हाथ मिलाते थे, फूल डालते थे गाड़ी पर, बिल्कुल सेम है। तो 27 साल पुरानी जो चक्की है, जो जनता को महंगाई की चक्की पीस रही है, गरीबी की चक्की पीस रही है, बेरोजगारी की चक्की पीस रही है, युवाओं को पेपर फूटने की तरह जो चक्की है वो पीस रही है, तो उस चक्की को बदलने के लिए लोग तैयार हैं, उखाड़ कर फेंकने को तैयार हैं। बाकी आपका एक सवाल होगा कितनी सीटें आएंगी, मैं पहले जवाब देता हूँ कि आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। कोई सवाल हो तो कर लेना। देखो जब किसी के घर पे बिल जाएगा तो उसका मिथक टूटेगा, वो तो 10 को बताएगा, 15 को बताएगा, रिश्तेदार को बात करेगा। और दिल्ली में जो महिलाओं को सफर फ्री है बसों में, पंजाब में भी फ्री है, इलाज फ्री है, पानी 20 लीटर दिल्ली में फ्री है और बिजली फ्री है,
लेकिन दिल्ली पर एक रुपए कर्जा भी नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल ने इधर से कर्ज लेके इधर दे दिया उसको? तो कनाडा अमेरिका जैसे मुल्क भी तो अपने नागरिकों को देते हैं ना फ्री में, उसको वहाँ सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं, यहाँ कहते हैं फ्री की रेवड़ी। तो अगर हम भ्रष्टाचार की लीकेज बंद करके वही पैसा खजाने में ले जाएं, अगर हम कोई पुल 350 करोड़ का बन रहा था उसका दोबारा नक्शा बना के 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ से पूरी दिल्ली की दवाइयाँ फिर फ्री कर दी, तो ये तो फिर हमारी सरकार का कमाल है ना। लोगों को इलाज चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, उन्होंने क्या लेना है? ये पैकेज आ गया जी, फलां आ गया जी। सो ये अपना मीडिया के जरिए जो मर्जी करते रहे, लेकिन हमारा मीडिया तो हमारे लोग ही हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं। और हर रोज़ मैं गाड़ी में बैठता भी नहीं हूँ, अभी रोड शो ख़त्म करके उसी रोड शो का वो वीडियो डाउनलोड हो जाता है। तो पंजाब में हमने अभी तक 9,000 एक मिनट भाई साहब, पंजाब में हमने 9,000 एकड़ जमीन छुड़वाई है जो नेताओं ने और रसूखदार आदमियों ने नजायज कब्जा किया होता, नजायज 9,000 एकड़। और भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, मतलब एक हमने मंत्री, कांग्रेस सरकार में मंत्री था, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर था, विजिलेंस को 1 करोड़ रुपया देने के लिए आ गया कि मेरा नाम निकाल दो, विजिलेंस के पास ही आ गया तो उन्होंने पकड़ लिया। उसके घर की तलाशी ली, आप कांग्रेस वालों को ये बता देना, उसके घर की तलाशी ली, होशियारपुर में उसका घर है, उसके घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। क्या घरों में नोट गिनने वाली मशीनें होती हैं सर? बैंक में होती हैं। इसका मतलब पूरा परिवार नोट गिन गिन के थक गया था कि भाई अब मशीन मंगा लो, हमसे नहीं गिने जा रहे, ये करप्शन है और क्या है। गरीब आदमी कब गिनता है नोट मशीन से, उसको अगले शाम तक की रोटी का फिक्र होता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ के, पैसा इन्हीं में है, पैसा इन्हीं में से निकाल के खजाने में, खजाने से निकाल के पब्लिक में।